आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। 2-3 बार डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर का कहना है कि दवा के साथ साथ मुझे हवा पानी भी बदलना चाहिए, मगर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो इस बारे में मैंने काफ़ी सारे दोस्त से बात की, तो किसी का कहना कि बनारस चला जाऊं, तो किसी का कहना कोलकाता चला जाऊं। ऐसे ही एक रात मैं जब ऑफिस से निकला तो अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ पाते ही मैं झट से पीछे मुड़ा, तो पीछे मुड़ते ही मैंने पाया कि पीछे मेरा एक दोस्त राकेश खड़ा है। राकेश मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है, जिससे मैंने आखिरी बार कॉलेज के आखिरी दिन पर मिला था। उसके बाद पता नहीं राकेश कहाँ गायब हो गया। खैर, राकेश से मिलते ही हम दोनों आपस में काफ़ी सारे बातें की। बातों ही बातों में मैंने राकेश को अपनी तबीयत के बारे में बताया, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद राकेश ने कहा, भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, तू बीहड़गढ़ गाँव चला जा, वहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है, वहाँ जाकर तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इस पर मैंने कहा, बीहड़गढ़ गांव वो कहाँ है, और यार मैं वहाँ जाकर रहूँगा कहाँ। जिस पर राकेश ने कहा, हमारे यहाँ के बस स्टॉप से ठीक सुबह 10 बजे बीहड़गढ़ गांव के लिए बस जाती है, तो वही बस पकड़कर तू बीहड़गढ़ गांव चला जाना। और हाँ, तू वहाँ चिंता मत कर, वहाँ मेरे दादाजी के नाम का एक घर है, दीनानाथ की हवेली बोलकर, तो तुम उस हवेली में रुक जाना। सारी बात हो जाने के बाद मैंने तय किया कि मैं कल सुबह 10 बजे वाली बस पकड़कर बीहड़गढ़ गांव जाऊंगा, जिसके बाद मैं अपने घर चला गया और कल सुबह निकलने की तैयारी करने लगा। और ठीक सारी तैयारी करने के बाद ठीक सुबह के 9:30 बजे अपने घर से बस स्टॉप के लिए निकला। बस स्टॉप पहुंचकर मैंने देखा कि बीहड़गढ़ गांव जाने वाली बस खड़ी है, तो मैं उस बस में चढ़कर एक विंडो वाली सीट पकड़कर बैठ गया। उस वक्त के अनुसार ठीक 10 बजे बस स्टॉप से खुलेगी। टिकट काटते वक्त मैंने कंडक्टर से पूछा कि बीहड़गढ़ गांव बस कितने बजे पहुंचेगी, तो इस पर कंडक्टर ने कहा कि बस रात के 9 बजे तक बीहड़गढ़ गाँव पहुँचेगी। तो मैं आराम से बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। बस आगे बढ़ती गई और बस में मौजूद एकाएक मुसाफिर उतरते गए, और रात के 9 बजे ठीक मैं बीहड़गढ़ गांव उतरा। तो बस से उतरते ही मैंने देखा कि आसपास का माहौल एकदम सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। इधर उधर नज़रें घुमाने पर मुझे कुछ दूरी में एक चाय की दुकान खुली हुई दिखी, तो मैं उस चाय की दुकान पर गया तो वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा दीनानाथ की हवेली का घर कहाँ है। इस पर चाचा मेरी तरफ गौर से देखने लगे और देखते देखते बोले, इस रास्ते से सीधे चले जाओ, आगे बोर्ड लगा होगा, मगर वहाँ तो कोई नहीं रहता। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है चाचा को उस हवेली के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, अगर वहाँ कोई नहीं रहता होगा तो राकेश मुझे वहाँ क्यों भेजता। खैर, चाचा से पता पूछने के बाद मैं उस पते की तरफ आगे बढ़ने लगा। करीब 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक घर के आगे बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ नज़र आया, जिस पर लिखा था दीनानाथ की हवेली। उस बोर्ड को पकड़कर मैं समझ गया कि यही दीनानाथ की हवेली है। तो मैं उस घर के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा पीटने लगा। करीब 5 से 6 बार दरवाज़ा पीटने के बाद किसी ने दरवाज़ा खोला, तो दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि दरवाज़ा खोलने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा ही एक दोस्त विकास है। विकास को यहाँ अपने सामने खड़ा देखकर मैं जितना हैरान हुआ उससे कई ज़्यादा चौंक भी गया, क्योंकि मैंने सुना था कि 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट होने के कारण विकास की मौत हो गई है, तो विकास यहाँ कैसे। खैर,
मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी विकास ने कहा, अमल भाई तू यहाँ कैसे, अंदर आ। इस पर मैंने विकास से कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ। जिसके बाद मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ, मगर विकास के मरने वाली बात मेरे जहन में घूमे जा रही थी, तो बात मेरे अंदर इतनी चुभने लगी कि मैं रह ना सका और विकास से पूछा, विकास बुरा मत मानना, मैंने सुना था कि एक बाइक एक्सीडेंट में तेरी मौत हो गई है। मेरे मुंह से ये सुनते ही विकास हंसने लगा और हंसते हुए कहा, नहीं भाई मैं मरा तो नहीं था, मगर उस बाइक एक्सीडेंट के बाद मेरे शरीर के काफ़ी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद राकेश ने मुझे यहाँ का पता बताया और यहाँ आकर मैं रहने लगा। तब से मेरी तबीयत ठीक हो गई है, जल्दी ही तेरी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। जिसके बाद मैंने भी विकास को अपनी पूरी आपबीती बताई। हम दोनों को बात हो जाने के बाद विकास ने कहा, भाई तू नहा कर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगवाता हूँ। फिर मैं भी नहा कर फ्रेश हो गया। नहा कर मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैंने देखा कि विकास मेरा खाना निकाल कर तैयार है। मुझे भी काफ़ी भूख लगी थी तो मैं भी खाने को बैठ गया। खाते वक्त मैंने देखा कि कोई और भी है जो किचन से झांक कर मुझे देखे जा रहा है। इस पर मैंने विकास से उस आदमी के बारे में पूछा तो इस पर विकास ने बताया कि वो किशन है जो इसी गांव का है और वो यहाँ रहकर घर का सारा काम करता है। खैर खाना हो जाने के बाद विकास ने मुझे एक कमरा दिखाया और उसी में सो जाने को कहा, तो मैं भी लंबे सफ़र में काफ़ी थक चुका था तो मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेटे लेटे कब नींद ने आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि खिड़की से हल्की चांद की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। वक्त भी लगभग आधी रात का हो रहा था। मैं करवट बदल कर सोने के लिए जैसे ही मुड़ा तो मुड़ते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि करवट बदलते ही मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी सोया हुआ है, और तो और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल है। उस कंकाल को देखकर मैं इतना डर गया कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा और मेरी चीख सुनकर विकास दौड़ता हुआ मेरे कमरे के अंदर आया। उसके आते ही जब मैंने फिर एक बार अपनी नज़र उस कंकाल की ओर घुमाई तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती विकास को बताई तो वो मेरी बात को मान नहीं रहा था, बार बार मुझसे यही कह रहा था, यार तूने कोई सपना देखा होगा, छोड़ मैं भी तेरे साथ यहीं सो जाता हूँ। मगर मैंने विकास को यहाँ सोने के लिए मना कर दिया। मगर एक बात काफ़ी अजीब थी, मैं तो सोने से पहले रूम का दरवाज़ा बंद करके सोया था तो विकास रूम के अंदर आया तो आया कैसे, ये बात मेरे जहन में घूमती रही। सोचते सोचते काफ़ी देर बाद वापस से नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब सुबह उठकर मैं बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास गया तो एक बार मैं फिर से चौंक गया, क्योंकि कमरे का दरवाज़ा वापस से बंद था। मेरे साथ ये हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा था। घर में दरवाज़ा खोलकर बाहर गया तो बाहर विकास बरामदे में टहल रहा था। मैं चलकर उसके पास गया और उससे कहा, विकास कल रात को तो मैं दरवाज़ा बंद करके सोया था तो तू अंदर आया कैसे। इस पर विकास ने कहा, मैं कब तेरे कमरे के अंदर आया, तूने कोई सपना देखा होगा। अच्छा हाँ मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। इतना बोलकर विकास चला गया, जिसके बाद दिन भर मैंने जैसे तैसे बिताया। फिर रात को किशन मेरा खाना लगा दिया। खाना खाते वक्त मैंने किशन से पूछा कि विकास कब लौटेगा तो इस पर किशन ने कहा, विकास बाबू का कोई ठीक नहीं है, कब लौटेंगे। खाना पीना खाने के बाद मैं ठीक रात के 9 बजे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया और ठीक आधे घंटे बाद ही नींद ने भी मुझे अपने आगोश में ले लिया।
फिर अचानक रात को मेरी नींद खुली तो मुझे बाहर से किसी दो लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरा पूरा शरीर खून सूखने लगा, क्योंकि बाहर कोई इंसान नहीं बल्कि दो कंकाल बातें कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने भी देखा कि बगान के पेड़ पर विकास भी झूल रहा है, मगर अब विकास का पूरा चेहरा कुचला हुआ था। ये देखकर मैं अपने आप को काफ़ी संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी मेरी हल्की चीख निकल ही गई। मेरी हल्की चीख सुनकर वो दोनों कंकाल इंसान के रूप लेने लगे। फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा सरसा घूम गया, क्योंकि जब उन कंकालों ने इंसान का रूप लिया तो मैंने देखा कि वो कंकाल कोई और नहीं बल्कि किशन और राकेश हैं। यानी किशन और राकेश और विकास तीनों भूत हैं। किसी तरह मैंने रात चुपचाप गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से भाग गया। बाद में मुझे पता चला कि किशन राकेश 3 साल पहले ही मर चुके हैं और 2 साल पहले बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है, यानी वो मुझे भी मारने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।